स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, आपके रिजल्ट को लेकर के जावेद मुस्तफा सर द्वारा एक ट्वीट किया गया है और ट्वीट के नीचे बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स जॉब्स वैकेंसी प्लानेट के चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो जा करके जुड़ सकते हैं। इसलिए कि अगर आप, हो सकता है कि अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, आप किसी भी ईयर के स्टूडेंट्स होंगे कोई मतलब नहीं है। बहुत ही अच्छी अच्छी वैकेंसी वगैरह आ रही हैं जिसमें आपके कहिए कि सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी रह रही है। गवर्नमेंट वैकेंसी भी आ रही है, प्राइवेट जॉब्स भी आ रही हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होते हैं कि ये सोचते हैं कि हम तो मतलब पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो हम पॉलिटेक्निक पे ही फोकस करेंगे, लेकिन पॉलिटेक्निक के बाद आपकी सैलरी क्या मिलेगी, 12,000, 14,000, कभी कभी तो 10,000 भी मिलती है, ऐसी मिलती है। तो उससे पहले भी ऐसे ऐसे अवसर आते रहते हैं जिसमें अगर आपका कलियर के सिलेक्शन हो जाता है, थोड़ी बहुत अगर आपके अंदर स्किल है, नॉलेज है, जानकारी है, अगर आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डिप्लोमा तो अलग तरीके से, डिप्लोमा को आप भूल जाएंगे या फिर कह लीजिए कि बीच में छोड़ देंगे। तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी वगैरह आ रही हैं। तो जो स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हुए हैं, मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स नए हैं या फिर कह लीजिए कि पहली बार देख रहे हैं या फिर हो सकता है उनको मालूम नहीं है, हालांकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर जाकर के जुड़ गए हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। एक बार जाकर के उसको चेकआउट जरूर करेंगे और वहाँ पर सभी स्टूडेंट ज्वाइन जरूर रहेंगे, जुड़े जरूर रहेंगे। इसलिए कि बहुत सारे 10th पास वैकेंसी आती हैं, 12th पास वैकेंसी आती है, अन्य प्रकार की वैकेंसी वगैरह आती रहती है, तो वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। स्थिति थोड़ी सी एक तरीके से कह सकते हैं गड़बड़ चल रही है। जैसा कि यहाँ पे देखिए, अभी अभी जावेद सर ने ट्वीट करके बताया है कि रिजल्ट 8 सितंबर को नहीं आएगा, यानी कि रिजल्ट जो है 8 सितंबर को नहीं आएगा। आज है आपका कृष्ण जन्माष्टमी, तो सभी स्टूडेंट्स को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज तो पक्का है कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा और कल भी नहीं आएगा। तो क्या 9 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि 10 तारीख को क्या है आपका संडे है, और ऑलमोस्ट संडे की बात करें तो आप कहीं भी देखेंगे लगभग लगभग जो आपका बोर्ड हो गया या फिर अन्य कहीं भी लगभग लगभग संडे को बहुत कम ही काम होते हैं, ऑफिस वगैरह कई जगह बंद रहते हैं या फिर कहिए कि जो अधिकारी वगैरह या फिर अन्य जो मेंबर्स रहते हैं वो एक तरीके से छुट्टी पे रहते हैं, तो संडे को थोड़ा सा नहीं लगता। और जैसा कि जावेद सर ने कहा था कि उम्मीद तो है बोर्ड का कि सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में जारी कर दे, लेकिन सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में नहीं हो पाया तो 10 तक जारी कर देगा। अब 10 तक का मतलब इन्होंने अभी अभी ट्वीट किया है कि 8 को नहीं आएगा, 8 को नहीं आएगा मतलब 9 को आ सकता है और 10 को आपका क्या पड़ा है, संडे पड़ा है। तो अब देखिए बहरहाल स्थिति आगे की क्या रहने वाली है, लेकिन उम्मीद यही अब जताई जा सकती है। अगर मान लीजिए कि 10 के पहले आता है तो 10 तारीख को लगभग लगभग मान के चलिए कि नहीं आएगा, आ भी सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आप बोर्ड के बारे में जानते हैं, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि चलिए आपको 9 को अपना रिजल्ट शायद देखने को मिले। अगर 9 को नहीं आता है तो सही 10 या फिर उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहरहाल आपके जो जावेद सर हैं उनके द्वारा अपडेट किया जाता है पल पल, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कल आना है तो अपडेट आज कर देंगे कि हाँ कल आएगा, या फिर नहीं आना है तब भी वो अपडेट कर रहे हैं कि हाँ कल नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट डे नहीं आएगा, या फिर आना होगा तो इस दिन आएगा। क्योंकि देखिए बोर्ड बीच में क्या करता है, बोर्ड भी जैसे मान लीजिए कि बोर्ड ने दे दिया आश्वासन कि हाँ चलिए हम सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में क्या करेंगे, 7 तारीख को सपोज कीजिए एग्जाम्पल के थ्रू कि 7 तारीख को जारी कर देंगे, फिर उसने डेट बढ़ा दिया कि नहीं 7 को नहीं, अब लगभग 9 को जारी होगा, फिर बढ़ा दिया कि 11 को जारी होगा। तो जैसे जैसे अपडेट मिलती रहती है, जावेद सर हमें अपडेट करते रहते हैं उसी हिसाब से कि हाँ अभी नहीं जारी हो पाएगा, अभी थोड़ा सा समय लगेगा। अब चूंकि ये भी एग्जैक्ट इसलिए नहीं बताते हैं, जाहिर सी बात है कि एग्जैक्ट बता दें कि चलिए बोर्ड से आश्वासन मिल जाए कि चलिए हाँ आपको 11 को आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है, बोर्ड से आश्वासन मिल जाए और ये बता दें कि चलिए आपका 11 को रिजल्ट आ जाएगा, और फिर जब 11 को नहीं आएगा, बोर्ड नहीं जारी करेगा, तो बच्चे इनके पास क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि आपने कहा था कि 11 को आ जाएगा नहीं आया, मतलब इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे भी आप कई सारे स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे भी एक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इनसे मतलब कह लिए पूछा एक तरीके से, आपने 10 सितंबर तक आने का मतलब कहा था या 10 से पहले रिजल्ट आने को बोला था, आज क्यों नहीं आ सकता है, आपको आज बोर्ड से कैसे पता चला कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आज बोर्ड में कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी है, मतलब क्या आज बोर्ड में कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी है, आपको सब पता है किस तारीख को रिजल्ट आएगा, बच्चों को एक तारीख बता दो। चूँकि देखिए मैंने कहने का सीधा मतलब है, अगर आपको बोर्ड इनको आश्वासन दे रहा है मतलब इनको बता रहा है कि चलिए इस दिन आ जाएगा, तो ये आपको एग्जैक्ट करके नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि मान लीजिए कि अगर उस दिन नहीं आए तो आप फिर इनसे पूछेंगे कि हाँ आपने कहा था कि इस दिन आएगा, इस दिन नहीं आएगा। तो जब तक इनको 100% वाली अपडेट नहीं मिलती है, जब तक इनको 100% वाली अपडेट नहीं मिलती है, तब तक ये आपको 100% करके नहीं बताते हैं कि हाँ इस दिन आएगा। अब जब इनको कन्फर्म अपडेट मिल जाती है बोर्ड के द्वारा कि हाँ इसी दिन में इस समय आएगा, तब ये आपको अपडेट कर देते हैं कि हाँ आपका रिजल्ट कल आने वाला है, आज शाम को आने वाला है या फिर इस समय आने वाला है, आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं। बहरहाल देखिए उम्मीद ये है 9 तारीख, या फिर अगर 9 तारीख को नहीं आता है तो 10 तारीख आप लगभग लगभग भूल जाइए, उसके बाद से 10 तारीख के बाद ही आपको अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप इसके बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएंगे, तो इस वीडियो में भी मैं कह रहा हूँ कि आप इसके बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएंगे। क्या BTP बोर्ड को आपके बारे में मालूम होगा, आपको इसके बारे में मालूम होगा बोर्ड के बारे में, तो क्या BTP जो बोर्ड है आपका रिजल्ट 10 तारीख से पहले जारी
कर पाएगा या फिर नहीं, आप अपनी राय इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।